दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये समय है देश रोजाना पर प्राइम टाइम का, और प्राइम टाइम में जो आज मुख्य खबरें हमारे पास हैं उनमें ये है कि क्योंकि हरियाणा के अंदर और खासकर पूरे देश में राजनीति इस समय बहुत तेज है, एक तरफ इंद्रदेव का प्रकोप है तो दूसरी तरफ राजनेता इसका भी पूरा फायदा उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये समझ लें कि जिस प्रकार से हरियाणा में जो गठबंधन के हालात हैं जो वो बन रहे हैं, उसके साथ साथ ही पार्टियों में लोगों का यहाँ से वहाँ भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, यानी कि दल बदल का काम भी शुरू हो गया है। और दूसरी खबर है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, वो भी पूरी तरह एक्टिव है और उनकी पार्टी भी पूरी तरह एक्टिव है। तो आपको ये बताएंगे कि प्रदेश में चुनाव आने से पहले कौन कौन लोग हैं जो अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, और इसके साथ बात करेंगे कि प्रदेश में जो जनता है लगातार अपने नेताओं को अपमानित क्यों कर रही है बाढ़ के हालात में। चर्चा आपसे प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की भी करेंगे, और साथ साथ चर्चा आपसे करेंगे रसोई के बिगड़े हुए बजट की भी। तो सबसे पहले उन खबरों पर जो सुर्खियों में है। दोस्तों दिल्ली में लगातार बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, निचले स्तर पर पानी भरा हुआ है, हथनी कुंड पर जो जल पानी छोड़ा जा रहा है, जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे सियासत बढ़ रही है। और दूसरी खबर यह कि फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर हैं, वहाँ द्विपक्षीय वार्ता होगी और उसके बाद उनकी आज देश में वापसी होगी। तीसरी खबर बिहार से है, जहाँ लाठीचार्ज से मौत पर भारतीय जनता पार्टी ने जाँच की मांग की है और नीतीश पर अदालत में केस भी दर्ज करने के लिए अपील की है। और चौथी खबर है ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है, यानी कि जो उनका सहयोगी दल है पीएम की, उसने विरोध किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो अब विस्तार से उन खबरों पर जो हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा है। तो साथियों प्रदेश में जो चुनावी सियासत है वो बहुत तेज़ हो रही है, पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मान लिया जाए कि हरियाणा के अंदर दोनों की तैयारी साथ साथ है और सभी पार्टियां अपना दम लगा रही हैं, अपना दम दिखा रही हैं। इस समय काफ़ी दिनों से एक खबरें चल रही हैं कि भाजपा और जेजेपी का जो गठबंधन है वो कब टूटा, अब टूटा और तब टूटा। अब ये बंधन टूटेगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर जो आम आदमी पार्टी है वो भी हरियाणा में अपना जनाधार दिखाने की कोशिश कर रही है, और इसी के तहत वो भी आजकल पार्टी के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के नेता, वो पूरी तरह से आज भी सुशील गुप्ता जी फरीदाबाद के अंदर थे और फिर पलवल में भी गए, लेकिन इनके बावजूद भी आम आदमी पार्टी से और खासकर बीजेपी जेजेपी से जो दो दिन पहले कांग्रेस में बहुत बड़ी संख्या में लोग गए। अब आप सोचेंगे कि भाई जो कांग्रेस है वो खुद कई धड़ों में बटी हुई है तो आखिर फिर लोग कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में है। कभी कांग्रेस के युवराज किसानों के साथ उनके खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, कभी धान की रोपाई करते हैं, कभी किसानों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो कभी किसानों को अपने घर दिल्ली बुलाकर खाना खिलाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक्टिव हैं, वे किसान महिलाओं के साथ ताल से ताल मिलाकर ढोल की थाप पर थिरकती दिखती हैं। और अब भले ही कांग्रेस के खेमे में कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन 2024 के रण के लिए कांग्रेसी इस समय पूरी तरह तैयार हैं। यानी कि जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी और जो कांग्रेस की राजकुमारी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जिस प्रकार वो एक्टिव हैं उसको देख करके कांग्रेस के अंदर लोग जा रहे हैं और कांग्रेस का कुनबा थोड़ा सा बढ़ रहा है। हालांकि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, मैंने आपको बताया कि जो गुटों में बटी कांग्रेस है, तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पूरे प्रयास में हैं कि ये गुटबाजी कहीं दिखाई ना दे, इसके लिए उन्होंने चंडीगढ़ में बैठक भी की थी और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेस अब तक चार धड़ों में बटी हुई थी, असर आप यूं समझिएगा कि जो कांग्रेस अभी तक चार धड़ों में थी अब वो दो धड़ों में है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, ये तीनों नेता तो एक मंच पर आ गए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं पूरी तरह से। तो मान लिया जाए कि अब कांग्रेस चार धड़ों वाली कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस और एसआरके कांग्रेस ये हो चुकी है। लेकिन इस समय भी जो कार्यकर्ताओं का है ना, या जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो उनका ध्यान ज़्यादा है वो हुड्डा साहब की तरफ है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
वो लगातार अलग अलग स्थानों पर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं और उनके जो पुत्र हैं दीपेंद्र वो भी लगे हुए हैं। यानी कि पूरे तरीके से गठबंधन सरकार पर जो कांग्रेस का हावी होने का मास्टर प्लान है उसकी मास्टर की भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपने साथ लेके चल रहे हैं। तभी तो बीजेपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के जो कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने थामा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली आवास पर गए सैकड़ों की संख्या में दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता और कार्यकर्ता और उन्होंने कांग्रेस का हाथ अपने हाथ में ले लिया। यानी कि जो हाथ से हाथ जोड़ने वाली बात चल रही है उसमें उन्होंने अपना हाथ कांग्रेस के हाथ में दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को पटके पहनाए, सभी का स्वागत किया, कांग्रेस की मेंबरशिप दी। कांग्रेस में जो शामिल होने वाले लोग थे उनमें बीजेपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय स्तर से लेकर कुछ ऐसे भी नेता थे जिनका प्रदेश स्तर पर भी कोई अस्तित्व है और उनका असर आगामी चुनावों में कितना देखने को मिलेगा ये भी समय गर्भ में है। लेकिन अपनी पार्टी छोड़कर वो हुड्डा साहब के पास जरूर गए। तो दूसरी खबर ऐसी भी है कि जिन्हें हरियाणा में किसी और पार्टी का साथ मिलने वाला है। बात कर रहे हैं उस कुनबे की जो बड़ा होने जा रहा है कर्नाटक के अंदर, जिसकी बैठक होगी। तो प्रदेश की राजनीति में कदावर नेता के मुंह से एक डायलॉग था जो जरूर आपने भी सुना होगा कि राजनीति में कभी कोई दोस्त या दुश्मन नहीं हुआ करता। और ये बात अक्सर देखने को भी मिलती है कि राजनीति में कब कौन किसका दामन थाम ले और किसको छोड़ दे कुछ नहीं कह सकते। ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ सूत्र बता रहे हैं, जो जख्मी से जख्मी पार्टी अगर मान लिया इंडियन नेशनल लोकदल थी, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला को जब सजा हुई थी तो कहा यह जाता था कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, हुड्डा साहब सब शामिल थे सजा कराने में। लेकिन अब आने वाले चुनाव के लिए जो एक महागठबंधन की तैयारी हो रही है, जिस महागठबंधन की पहली बैठक में 17 दल शामिल हुए थे और अब उसमें उम्मीद है 24 दल शामिल होंगे, जिसकी बैठक होनी है 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में। और उस बैठक में शामिल होने के लिए, यानी कि बेंगलुरु में जाने के लिए, जिसके अंदर कांग्रेस के युवराज होंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी भी होंगी ऐसी संभावना है, तो उस बैठक में शामिल होने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भी बेंगलुरु की टिकट कटवा ली है। यानी कि वो बेंगलुरु जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले चुनाव में हरियाणा की राजनीति में खासकर एक बहुत दिलचस्प मोड़ सामने आएगा। लेकिन इसके इतर ये बात भी ज़रूरी है कि ये जो नेता हैं ये वोट लेकर अपनी जनता को ना भूलें, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तब नेताजी जनता के बीच में पहुंच जाते हैं और वोट मांगते हैं, वोट की गुहार लगाते हैं। और जब जनता को ज़रूरत होती है तब कई बार नेता नहीं दिखते, और जब जनता के दुख सुख से नेता नदारद हो जाते हैं तो ऐसा होता है जैसे आजकल राजनेताओं के साथ बाढ़ पीड़ित लोग कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि गोला चीका के विधायक जब अपने क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोगों का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे, उनसे मिलने गए, तो बुज़ुर्ग महिला इतने गुस्से में थी कि उन्होंने विधायक जी को अपना शिकार बना लिया, निशाना बना लिया। वीडियो वायरल हो रहा था। इसी बीच विधायक जी के साथ साथ उनके बेटे, जो कि हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन भी हैं, रणधीर सिंह, उन्हें भी लोगों ने घेर लिया। दोनों पिता पुत्र को ग्रामीणों ने खूब सुनाई खरी खोटी बातें कही, जबरदस्ती जमीन पर बिठा दिया। और ये सब हुआ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में। नायब सैनी भी जब कुरुक्षेत्र गए थे तो उनके साथ भी कुछ लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे कुरुक्षेत्र के, उनके साथ डांट डपट भी की थी, उनको खरी खोटी सुनाई थी। सोनीपत में आपने एक सीन देखा होगा कि राजीव जैन साहब, हालांकि भाजपा के नेता हैं और वहाँ भाजपा के ही सांसद हैं, तो राजीव जैन साहब ने एक बयान जारी भी किया कि वो अपने गड्ढे खुद भरवा रहे हैं, विधायक सांसद लोग कोई सुन रहे हैं, विधायक कांग्रेस के हैं वहाँ पर और सांसद बीजेपी के हैं। खैर, बात जो हो रही थी गोला चीका की, उस मामले में एससी समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। भैया, आप जो तकलीफ में हैं, जिस पर गुजर रही है, उसे दर्द का एहसास तो होगा ना, और वो दर्द जिसके कारण मिल रहा है, क्योंकि राजनेताओं से जो सत्तासीन लोग होते हैं उनसे लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, और जब वो उम्मीदें कहीं टूटती हुई दिखती हैं तो लोग गुस्सा होते हैं। हालांकि उस समय विधायक जी ने ये कहा था कि वो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक तरफ जनता गुस्सा भी वाजिब है, लेकिन दूसरी तरफ एक मर्यादा भी है, लोगों को भी मर्यादा समझनी चाहिए। खैर, जब लोगों का गुस्सा निकला तो ये आक्रोश, ये गुस्सा कई सवाल खड़े करता है, और अगर समय रहते इस आक्रोशित विरोध का रास्ता नहीं निकाला गया तो आगे चलकर इसका खामियाजा प्रदेश की सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है।
तो ये बातें थी दोस्तों हरियाणा की राजनीति की। अब बात करेंगे पीएम मोदी के विदेश दौरे की। भले ही देश के गौरव या तरक्की की बात हो, लेकिन सियासतदान इसमें भी सियासत करने से नहीं चूकते। अब चंद्रयान 3 जो भारत का तीसरा मिशन था, उसका सफल प्रक्षेपण हो चुका है, लेकिन इस पर भी सियासत चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसरो को सफलता पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसरो की टीम को बधाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सफल लॉन्चिंग पर ट्वीट किया और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और मिशन में शामिल लोगों को बधाई दी। इसके साथ साथ खड़गे साहब ने ये जरूर कहा कि मिशन 2008 में शुरू हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह थे। खड़गे साहब ने यह भी कहा कि चंद्रयान 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, ये सब जो कांग्रेस के नेता थे, यानी कि इनके अंदर अटल बिहारी जी को छोड़ा जाए तो सभी कांग्रेस के नेता थे, और कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में सब हुआ। और कांग्रेस के जो महासचिव हैं, संगठन प्रभारी हैं, वेणुगोपाल साहब, उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरो का जो सपना देखा था, जिसे इंदिरा गांधी ने पूरा किया, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह ने उसे ऊंचाई पर दिया, कांग्रेस ने चंद्रयान 3 की सफलता का पूरा क्रेडिट अपनी पार्टी को दिया है और इसरो को नेहरू जी का सपना बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा पर भी टिप्पणियां की हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने पीएम मोदी साहब की फ्रांस यात्रा पर उनको निशाने पर लिया है। राहुल जी कह रहे हैं कि मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपियन यूनियन की संसद में चर्चा हुई, और इसे लेकर जो प्रधानमंत्री जी की चुप्पी है, राहुल जी कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो प्रधानमंत्री की जी की चुप्पी है और प्रधानमंत्री जी नेशनल डे पर, फ्रांस के नेशनल डे पर मुख्य अतिथि के तौर पर जो पहुँचे हैं, उन्होंने कहा है कि ये सारा जो मसला है ये मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री जी के चुप रहने का है, और इसलिए वो वहाँ पहुँच गए हैं। तो आपको ये बता दें कि यूरोपीय संघ की संसद में मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में ये आरोप लगाया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति और सहिष्णुता के चलते मणिपुर के हालात वहाँ खराब हुए। वहीं यूरोपीय संघ की संसद में पारित किए गए एक प्रस्ताव को भारत ने औपनिवेशक मानसिकता से प्रेरित करार देते हुए इसे खारिज किया है। भारत सरकार ने कहा है कि सियासत तो होने के लिए होती है। जो ये बात है जो कही गई है, खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच बड़ी डिफेंस डील पर मोहर लगी है। भारतीय नेवी को फ्रांस की दशा एविएशन से 26 नए एडवांस राफेल फाइटर जेट मिलेंगे, खास तौर से जो नेवी की जरूरत के हिसाब से उसे डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना के 26 राफेल पहले से ही मौजूद 36 राफेल के एक जो बेड़ा है उसमें शामिल हो जाएंगे। इस सौदे में भारत का 22 सिंगल सीटर राफेल एम मरीन लड़ाकू विमान भी शामिल है, और ये सभी लड़ाकू विमान स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात होंगे, और इसके साथ साथ 4 ट्रेनें राफेल मरीन एयरक्राफ्ट भी मिलेंगी। इस रक्षा सौदे के बाद भारत की समुन्द्र में नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाने की जो लगातार कोशिश में रहता है, उस पर भी चुनौती होगी, और ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए समुन्द्र में ताकत बढ़ाना जरूरी था। अभिन्न लड़ाकू विमानों की खरीदारी से ये सब सफल हो जाएगा। चिंता तो देश की रसोई में बढ़ी हुई है दोस्तों। टमाटर दिन ब दिन लाल हो रहा है। जहां सरकार लोगों को राहत देने के लिए और उसकी कीमतों में कमी लाने के लिए नए नए प्लान बना रही है, तो टमाटर है कि माल नहीं रहा, रोज नई ऊंचाई पर जा रहा है। अब टमाटर दोहरा शतक लगा चुका है, यानी कि 200 पार जा रहा है। चंडीगढ़ के फुटकर बाजारों में तो टमाटर की कीमत 350 रुपये प्रति किलोग्राम तक है, और वहीं दिल्ली NCR में टमाटर इस समय 250 रुपये के आसपास है। हालांकि जब टमाटर के भाव में तेजी का सिलसिला शुरू हुआ था, तब सरकार ने इसके उत्पादन में बढ़ोतरी और कीमतें घटाने के उद्देश्य से टोमेटो ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की थी। इसके बाद दिल्ली NCR के लोगों को राहत देने के लिए एक प्लान बनाया गया था। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से नेफेड और NCCF के दूसरे राज्यों में टमाटर खरीदने और उन्हें सस्ते दामों पर दिल्ली NCR में बेचने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी टमाटर की कीमतों में आग लगी हुई है, टमाटर काबू नहीं आ रहा। तो दोस्तों, टमाटर को लेकर तो ये है कि सत्ताधारी दल के कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आजकल समय आलू बुखारे का है, आलू बुखारा खाइए, टमाटर छोड़िए, जब टमाटर का समय आएगा तो टमाटर भी सस्ता हो जाएगा। खैर, लोगों को जहाँ सब्जी में रसोई को बनाने के लिए टमाटर की ज़रूरत होगी, आलू बुखारे से काम नहीं चलेगा।
बीते 1.5 महीने से टमाटर की कीमतें लोगों की पहुंच से बाहर हैं और अब तो मार्केट में पुलिस सुरक्षा के बीच टमाटर की बिक्री की तैयारी है। टमाटर इस महंगाई से निजात दिलवाने में सरकार की पहल शायद रंग ला दे, क्योंकि सहकारी समितियां, एनसीसी, एयरफोर्स, नेफेड ने टमाटर की ऊंची कीमतों से उपभोक्ताओं को रियायत दिलाने के लिए शुक्रवार को कृषि भवन के बाहर 90 रुपये किलो प्रति दर के रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू किया। तो दोस्तों, मौसम बारिश का है। मैंने आपको बताया कि सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं कि टमाटर छोड़िए, आलू बुखारा खाइए, तो हम आपसे कहेंगे टमाटर छोड़िए, कुछ दिन पकौड़े से काम चलाइए। चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।